हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सप्ताह 3 विषय गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय 2 अंकों की संख्या। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, अंकों 0, 1, 2 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की जितनी संख्याएं बन सकती हैं बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 0, 1 और 2 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की जितनी संख्याएं बन सकती हैं बनानी है। तो यहाँ संख्याएं बनेंगी 10, 12, 20, 21। तो यहाँ पर ये संख्याएं लिख देंगे। प्रश्न 2 करेंगे। निम्न संख्याओं में से 2 अंकों की संख्याओं पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर आपको 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उन पर गोला लगाना है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 23, 32, 45। अब आप सोच रहे होंगे 0, 2 पर क्यों नहीं गोला लगाया। बच्चों, 2 से पहले शून्य आने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यह केवल 2 गिना जाएगा और 2 क्या है, 1 अंक की संख्या। तो इसलिए 0, 2 पर हम गोला नहीं लगाएंगे। तीसरा प्रश्न करते हैं। अंकों 3, 5, 0, 9, 1 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की निम्न संख्याएं बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 3, 5, 0, 9, 1। इनका प्रयोग करना है, परंतु 2 अंकों की निम्न संख्याएं बनानी है। कितने अंकों की, 2 अंकों की। कौन सी, क सबसे बड़ी संख्या, तो वह बनेगी 95। 95 ख सबसे छोटी संख्या, तो वह बनेगी 10। 10 हमें याद रखना है, हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन दिए गए अंकों में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, कौन सी होगी, 99। 99। पाँचवा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो कौन सी होगी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10। 10। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। प्रत्येक भाग में पैटर्न को पहचान कर समूह से अलग संख्या पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया गया है, इसमें जो समूह से अलग संख्या है उस पर गोला लगाना है। कब करते हैं, 14, 16, 2 बढ़ रहे हैं तो 18 होना चाहिए, 17 है तो इस पर गोला लगाएंगे, क्योंकि 18 होता तो 20, 22 पैटर्न सही पूरा होता। ख में 21, 2, 23, 24, 27, 29। तो यहाँ हम 24 पर गोला लगाएंगे, क्योंकि पैटर्न 2-2 बढ़ रहा है। 21 के बाद 23 और 23 के बाद 25 आना चाहिए, तो 24 पर गोला लगाएंगे। ग करते हैं 32, 34, 36, 37। 37 पर गोला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 38 आना चाहिए था और 38 आता तो फिर 40 हमारा पैटर्न सही पूरा होता। तो हमने क में गोला लगाया 17 पर, ख में गोला लगाया 24 पर और ग में गोला लगाया 37 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्न प्रश्नों को हल करें। क 2-2 कदम आगे बढ़ते हुए निम्न पैटर्न को पूरा करें। तो यहाँ पर कितने कितने कदम बढ़ना है, 2-2 कदम। 12, 14, 16 दिया गया है, 16 के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे 18, 18 से आगे 2 बढ़ेंगे 20, 20 से आगे 2 बढ़ेंगे 22 और 22 से आगे 2 बढ़ेंगे 24। अब ख करते हैं 3-3 कदम पीछे चलते हुए निम्न पैटर्न को पूरा करें। अब इस पैटर्न में 3-3 पीछे चलना है, यानी कि 3 घटाना है। 36 में से 3 घटाए 33, 33 में से 3 घटाए 30, 30 में से 3 घटाएंगे 27, 27 में से 3 कदम पीछे चलेंगे 24, 24 में से 3 कदम पीछे चलेंगे 21, 21 में से 3 घटाएंगे 18। तो इस प्रकार ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, निर्देशानुसार खाली स्थान भरो। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिका दी गई है, हमें तालिका को निर्देशानुसार भरना है। पहला चित्र देखते हैं। अब चित्र में बिंदियों की संख्या
कितनी है, एक लाइन में पांच है और कुल पांच लाइनें हैं, तो कितनी संख्या है, 25। 25 संख्या में अब दहाई का अंक कौन सा होगा, दो, और इकाई का अंक होगा पाँच। इसी प्रकार दूसरा चित्र, चित्र में बिंदियों की संख्या 30 लिखेंगे, संख्या में दहाई का अंक होगा 3 और संख्या में इकाई का अंक होगा 0। तीसरा चित्र, बिंदियों की संख्या होगी 20, संख्या में दहाई का अंक होगा 2 और इकाई का अंक होगा 0। चौथा चित्र, चित्र में बिंदियों की संख्या होगी 15, संख्या में दहाई का अंक 1 और संख्या में इकाई का अंक 5। तो इस प्रकार हमने इन चित्रों में बिंदियों की संख्या ज्ञात की, उस संख्या का दहाई का अंक और इकाई का अंक ज्ञात किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, खाली स्थान भरो। आप देख सकते हैं इस चित्र में 5, 10, 15, पांच पांच कदम बढ़ रहे हैं, आगे आएगा 20 और उसके आगे 25। प्रश्न 10, पैटर्न पूरा करो। यहाँ पैटर्न पूरा करना है, क 22, 26, 30, चार चार कदम बढ़ रहे हैं, 30 के बाद लिखेंगे 34, 34 में चार जमा करेंगे 38, 38 में चार बढ़ेंगे 42 और 42 में चार आगे बढ़ेंगे 46। ख करेंगे 30, 33, 36, तीन तीन कदम आगे बढ़ रहे हैं, 36 में तीन कदम आगे 39, 39 में तीन जोड़ेंगे 42, 42 में तीन जोड़ेंगे 45 और 45 में तीन जोड़ेंगे तो आएगा 48। तो इस प्रकार यह पैटर्न भी पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, खरीदारी कैसे करें। आपकी माँ आपको 2 नोट 20 रुपये के और 3 नोट 10 रुपये के देती है और आपको पड़ोस के बाज़ार से चाय का एक पैकेट, एक नोटबुक, 5 नींबू और दूध का एक पैकेट लाने के लिए कहती है। आप एक थैला लेकर बाज़ार की ओर आगे बढ़े। एक नोटबुक की कीमत 15 रुपये, एक नींबू 2 रुपये, चाय का एक पैकेट 15 रुपये, दूध का एक पैकेट 20 रुपये। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, आपकी माँ ने आपको खरीदारी के लिए कितने रुपए दिए। 20 × 2, 20 के 2 नोट थे और 10 × 3, 10 के 3 नोट थे, तो 20 × 2 हो गए 40 और 30 × 3 हो गए 30, तो 40 + 30 = 70 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे 70 रुपये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दिए गए विकल्पों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, मिठाई की दुकान। अब हमें नीचे दिए गए सामान के लिए किस दुकान पर जाना है इसका पता करेंगे। क्रम संख्या 1, खरीदने के लिए चीज़, नोटबुक, नोटबुक के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्टेशनरी की दुकान, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेशनरी की दुकान। दूसरा, नींबू, नींबू के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जी की दुकान। तीसरा, चाय का पैकेट, चाय का पैकेट लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे किराना दुकान। चौथा, दूध का पैकेट, तो दूध का पैकेट लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए, सही जवाब, दूध की दुकान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि एक चाय का पैकेट था कितने का, 15 रुपए का, एक नोटबुक 15 रुपए की, 5 नींबू, एक नींबू कितने का था, 2, तो यहाँ हम करेंगे 5 × 2 = 10, तो 10 रुपए के नींबू हो गए, और एक दूध का पैकेट मतलब 20 × 1 = 20 रुपये। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, 15 + 15 + 10 + 20, तो आ जाएगा 60 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 रुपये, कुल कितने रुपए खर्च किए, 60 रुपये। चलिए अगला करते हैं। चौथा, ख़रीदारी के बाद आपके पास कितने रुपए शेष बचे।
तो शेष राशि के लिए क्या करेंगे, कुल राशि घटा खर्च की गई राशि। तो कुल राशि कितनी थी, 70 रुपये, और कुल खर्च कितना हुआ, 60 रुपये। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 10 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 रुपये। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।